मंगलवार को छाता तहसील के कस्बा कोसी कला छाता और नंदगांव सहित हेमराज मंडल के 4 बूथों पर शिक्षक पद स्नातक के चुनावों की मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे संपन्न हुई, लेकिन मतदान स्थल पर दूसरे प्रत्याशियों के एजेंट भी नहीं बन सके। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में दर्जनों भाजपाई मौजूद रहे। इस बार मतदान में छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मतदान जो कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चला, इस दौरान शिक्षक पद के प्रत्याशी के लिए कोसी कला के मतदान स्थल पर 41 नगरपालिका परिषद मध्य स्थल पर 155 मतों में से कुल 119 वोट डाले गए। वहीं स्नातक पद के लिए मध्य स्थल 1 पर 475 मतों में 286 मत डाले गए। इस चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थीं। थाना प्रभारी प्रमोद पवार फोर्स के साथ मौजूद रहे। जिला पंचायत सदस्य नरदेव चौधरी भी शांतिपूर्ण मतदान की अपील करते रहे। शिक्षक और स्नातक चुनावों के मध्य स्थलों का उपजिला अधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य और तहसीलदार विवेक सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। मतदेय स्थलों पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मौके पर मौजूद चुनाव अधिकारियों के मुताबिक 16 शिक्षक पद प्रत्याशी और 22 स्नातक पदों के प्रत्याशियों के मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। स्नातक शिक्षक पद के प्रत्याशियों के चुनावों में कुछ लोगों ने पहली बार मतदान किया, जिनमें काफी खुशी देखने को मिली। शांतिपूर्ण पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं के मध्य हुए इस चुनाव को लेकर शिक्षक प्रत्याशी पद के पीठासीन अधिकारी सुधीर कुमार ने जानकारी दी। आज जो मतदान चल रहा है जो एमएलसी स्नातक चुनाव के लिए, क्या आज ये शिक्षक और स्नातक के विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं? हमारे यहाँ 4 सेंटर हैं, जिसमें कोसी भी है और नंदगांव है, छाता है और सभी का सकुशल रूप से चुनाव संपादित हो रहा है। समय से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही सलीके से और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होगा। कोविड को लेकर क्या क्या व्यवस्था है? हाँ, हर सेंटर पे हमारे डॉक्टर्स की टीम है, जहाँ से हमारे कार्यकर्ती आंगन आशा भी बैठी हैं, लगाई गई हैं, ड्यूटी लगाई गई है। डॉक्टर्स भी मूवमेंट में हैं और बाकायदे जो भी गाइडलाइंस हैं कोविड के, उनका पालन किया।